सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम फिर से आ चुके हैं टीवीएस रेडर पे, एंड आज इसका करना है एक्सेलरेशन टेस्ट, प्रॉपर एक्सेलरेशन टेस्ट 0 to 100 कोशिश करेंगे पुश करने की। अब क्योंकि मैं सिटी में ही कोई रोड ढूंढ रहा हूँ अच्छी सी जो मुझे पूरी खाली मिल सके, एक रोड मुझे पता है होपफुली वो खाली हो पूरी, तो वहाँ पे हम कर पाएंगे। क्योंकि इस वक्त लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जाना फीजिबल नहीं है, बहुत दूर है, एंड ये बाइक दूसरे की है, मेरी होती तो मैं पहुँच जाता। सो ज़्यादा देर के लिए नहीं है मेरे पास, मेरे को उनको वापस भी करनी है। सुबह सुबह आप बाइक राइड करो, उसका एक अलग ही सुकून है, अलग ही मज़ा है। कॉर्नरिंग करके देखें क्या, मैंने बहुत प्रॉपर कॉर्नर तो नहीं किया क्योंकि अभी मेरा हाथ नहीं सेट है इस बाइक पे, बट जितना किया वो ठीक था। अब इसमें प्रॉपर वो एकदम लीन वाला कॉर्नर हो भी नहीं पाएगा जितना आरएस में हो जाता है, तो स्टिल बेटर। रेनेसा, ताज, मैं आ चुका हूँ गोमती नगर, एंड होपफुली मुझे आगे की रोड जो है वो खाली मिलेगी। इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? यहाँ कोई शूटिंग चल रही है। ये है इको मोड, फिर पावर मोड में भी करते हैं। अब यही दिक्कत है यार 125 सीसी गाड़ी में कि 100 पहुंचने में टॉप एंड ऑब्वियसली कमी होता है। इनकी टॉप स्पीड ही 100 रहेगी यार, 100 102 जो भी रहेगी, कहां से एक नॉर्मल रोड पे 100 पहुंच जाए। फिर से करते हैं ट्राई 0 to 100, देखते हैं इस बार जाती है कि नहीं। फुल खाली रोड है देखो, कुछ सीन लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि इंजन 92 के ऊपर ले जाने नहीं दे रहा है। 92 के ऊपर इंजन रोक रहा था, ऐसा लग रहा है पीछे से पुल आ रहा है। मुझे लग रहा है इंजन को शायद कंपनी वालों ने ट्यून किया हुआ है, 94 आई थिंक गई थी, 94 के आगे नहीं जा रही है, तो इतना ही हो पाएगा एक्सेलरेशन टेस्ट इसका तो, क्योंकि इसके आगे नहीं जा रही है गाड़ी। ये चीज़ तो है BS6 की गाड़ियों में कि इंजन ट्यून्ड है एंड कंपनी कंट्रोल कर लेती है उनको, तभी तो एमिशन्स कंट्रोल हो जाते हैं। चलो इको मोड का तो हो गया, 94 तक गए हम लोग, एंड आप उसमें 4 से 5 सेकेंड या 3 से 4 सेकेंड और जोड़ सकते हो, उतने में ये 100 जाएगी, इतना मेरा अंदाज़ा है। अब इसके बाद पावर मोड में करके देखते हैं। शॉकर्स भी अच्छे हैं भाई गाड़ी के, झटका मतलब उतना
मेरे को आरएस में ज़्यादा तेज झटका मिलता है कंपैरेटिवली। सीमलेस गाड़ी है भाई, अब टीवीएस है, होंडा है, ये सब इंजन काफ़ी रिलायबल होते हैं। मैं खुद टीवीएस वीगो चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 8 साल से, एंड बिल्ट वाइज तो शायद ही कभी प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ क्या हो रहा है भाई, रोलर स्केट्स। अब इसका हम करते हैं पावर मोड में, मैंने स्विच किया है इसको पावर मोड में, अब देखते हैं पावर मोड में ये कितना अच्छा हमको देती है। देखो पावर लिख के आ भी गया, लेट्स सी पावर मोड एक्सेलरेशन टेस्ट। मुझे ना पता भी नहीं चलता है कितना दबाना है इसको। कम ऑन ब्रेकर से पहले। ओके आई गॉट इट। तो मुझे लगता है सीन ये है कि इको मोड में ये बनी ही नहीं है 94-93 के ऊपर जाने के लिए, बट पावर मोड में इसके अंदर काबिलियत है जाने की। वंस अगेन पावर मोड, आई थिंक 100 टच हो गई थी मैंने देखा था। ओके नाइस पावर यार, बट स्टिल नॉट बैड मैन, इको एंड पावर मोड। जल्दी में हो तो पावर मोड में भगाओ गाड़ी भाई, इमीडिएट पावर आ रही गाड़ी में, मुझे फील हो रहा है एकदम तगड़ा वाला। लेकिन यही है पावर मोड में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ईगो पे कर लेते हैं स्विच, देखो ईगो हो गया तुरंत। तो ओवरऑल यार ये है कि कंफर्ट के मामले में आपको इस बाइक में ऐसे कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, इट्स कंफर्टेबल। सो दैट्स इट, एक्सेलरेशन टेस्ट हो चुका है पूरा 0 to 100, एंड गाड़ी की टॉप स्पीड आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो 105, उससे ज़्यादा नहीं, एंड 125 cc से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और इसको पुश करना इज़ नॉट, कोई पॉइंट नहीं है भाई, 105 ज़बरदस्ती आप एक छोटे cc के इंजन को घसीटो कोई मतलब नहीं है उसका। अरे यार नाइस कॉर्नरिंग मैन, ओ नाइस, बढ़िया यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप एक्सेलरेशन टेस्ट मिल गया है एंड एक आइडिया लग गया आप लोगों को कि कितनी पावर है इस बाइक में और कितने कम टाइम में ये 100 टच कर सकती है। इको मोड में ये गाड़ी 100 नहीं टच कर पाएगी, गाड़ी पीछे से भाई ऐसा लग रहा कोई रोक रहा है। तो वो तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ पावर मोड में ये गाड़ी बहुत आराम से 100 जा रही है। प्रदूषण कंट्रोल हो रहा है लग रहा है।